भारतीय जनता पार्टी से संत कबीर नगर लोकसभा सीट से विजयी प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंच के गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और मच्छेन्द्रनाथ के भी दर्शन किए। इस मौके पर उनके पिता और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए संत कबीर नगर के नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है, जनता ने सबका साथ सबका विकास पर भाजपा को जनादेश दिया है। सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि अब देश में जातिवाद वंशवाद का सफाया हो जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सांसद प्रवीण निषाद ने कहा, निश्चित तौर पर संत कबीर नगर की जनता को धन्यवाद देंगे माननीय योगी जी को और राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ NDA के घटक दल निषाद पार्टी के साथ पूरी तन्मयता के साथ और जो सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ किया और जन कल्याणकारी योजनाओं को जो जनता के द्वार तक पहुंचाने का काम किया, ये सबसे बड़ा श्रेय था भारतीय जनता पार्टी का। और जनता ने भी पूरी ताकत के साथ पूरे समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम पे पहुंचाने का काम किया और एक बार फिर से मोदी सरकार बनाया ताकि आने वाले समय में फिर से हमारा देश मजबूत हो और देश में रहने वाले नागरिक मजबूत हों। निश्चित तौर पर जो भी मांगे हैं निषाद समुदाय के लिए, मछुआ समुदाय के लिए, उन सारी मांगों को मनवाने का हम काम करेंगे और उनको उन तक लाभ पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। क्या तो गठबंधन की बात की तो गठबंधन से क्या है, जो भाजपा का सफाया हो जाएगा तो गठबंधन के क्या? नहीं, गठबंधन देखिए, गठबंधन की स्थिति तो अब साफ हो चुकी है। गठबंधन कहीं भी नजर नहीं आया, वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। और आज जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के विकास के कारण हैं, ये जातिवादी शक्तियाँ और ये जो सामंतवादी शक्तियाँ थी, ये जो परिवारवादी शक्तियाँ थी, ये सारी की सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। आज सिर्फ पूरे देश में एक लहर है और वो मोदी लहर है बस।